और रेडियो सिटी 91.1 में मैं हूँ एजेंट 911 करण, और मैं यहाँ पे आज हूँ मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में। 5000 सीसीटीवी कैमरा जो लगे थे, तो मैं यहाँ जानने आया हूँ एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करते हैं। मैं दो कांस्टेबल से बात करूंगा और वो हमें पूरा डिटेल में बताएंगे ये फंक्शन कैसे करता है। सो आई हैव दिस टू ब्यूटीफुल लेडीज विद मी। क्या नाम है आपका? पालांडी जी मेरे साथ है, और मैम आपका नाम क्या है? गौरी जी इनका नाम है। ये दोनों टीम में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताइए आप कौन सा एरिया है? ये आचार्य गार्डन है। अच्छा, ये देवी दयाल रोड है। ये एमजी रोड है और ये चारकोप है। ये व्हाइट लाइन या फिर विदाउट हेलमेट ऐसे जो आते विदाउट सीट बेल्ट, जैसे वहाँ ऑफेंस लिखे है। हाँ। उसका यहाँ मैं फोटो कैप्चर निकालती हूँ और वहाँ जाने के बाद वो रिसिक मारते हैं। अच्छा। हाँ। ऑलराइट, तो आप फोटो खींच के ये मैम को भेजते? हाँ, उनको भेजते। अच्छा मैम, आप बताइए आप क्या करते हैं लोगों को? देखो, ये जो सामने से कैमरा से इमेज आता है, ये इधर आके ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी में आएगा तो ये इमेज है, ये हॉल्टिंग के लगे हुए ऑफेंस लगे हुए है। ये चार छह ऑफेंस है, फैंसी नंबर प्लेट का है, ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट, नो पार्किंग, टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन विदाउट सीट बेल्ट, एंड व्हाइट लाइन का जो रहता है, व्हाइट लाइन के आगे जो आएगी उनके लिए जो कोई ऑफेंस करेगा उसको पूरा लोकेशन पता होना मांगता है कि हमने किधर बाबा ऑफेंस किया है। तो एक को आप फाइन मार रहे, मेरे सामने किसी को फाइन मारी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अभी देखो पूरा ये इधर स्टॉप लाइन है, ये स्टॉप लाइन है। अच्छा, स्टॉप लाइन के आगे देखो पूरा इधर सामने है। अभी ऑटो ये गाड़ी है, फोर गाड़ी है। अभी ये आउट की नजदीक इमेज है, नंबर पूरा दिख रहा है हमको। हॉल्टिंग किया है, जो ऑफेंस है वो सिलेक्ट करना है। ओके, हॉल्टिंग किया है। अभी देखो MH03BA3205 ये अभी उसका नंबर हो गया। ओके, अभी ये रजिस्टर, अभी ये रजिस्टर किया तो जो जिसके नाम पे ये रजिस्टर है उसको वहाँ रजिस्टर नंबर होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो लिखा होगा उस नंबर पे मैसेज जाएगा उसको। अच्छा, ओ तो मैम अगर आप जब ये चालान भेजते तो कितने दिन बाद लोग फाइन भरने आते हैं? आठ दिन से पहले ही भरते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई फाइन भरने आया ही नहीं हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, और ऑनलाइन लिंक दिया है ना उसके ऊपर ही भरते, इधर आके भरना ऐसा जरूरी नहीं। ये विदाउट हेलमेट वाले भाई साहब, सर आपको फाइन लगने वाला तगड़ा, ठीक है। और ये इमेज यहाँ पे आ चुका है एंड मैम इज सेंडिंग हिम द नोटिस। तो ये ऑटोमेटिक मैसेज भेज देगा उसको। अच्छा, और अभी मैं आ चुका हूँ ट्रैफिक कंट्रोल रूम में। मेरे साथ यहाँ पे तावड़े जी है। सर कैसे हैं आप? सर नजदीक आ जाइए, सर का आवाज नहीं आएगा। मजे में है? ऑलराइट सर, ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, मैं यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन सर बड़े बड़े टीवी लगे, कुछ समझाइए सर क्या हो रहा है यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ, जिधर जिधर ट्रैफिक जाम रहता है, क्या किधर एक्सीडेंट होता है, वो सब सीसीटीवी कैमरे से इधर बैठ के मालूम पड़ते हैं। अच्छा, ये पूरे ये शहर में जो है सब सीसीटीवी कैमरे है। ओके, ये पूरा हमारा स्टाफ जो इधर हैंडल करते हैं वो। अच्छा, आगे जो बैठे इंजीनियर लोग हैं। अच्छा, जो एलएनटी की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी रहता है ना इतना बड़ा स्क्रीन होता है, एक क्रिकेट मैच देख ले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इधर सब खाली सीसीटीवी फुटेज जो रोड का ही हम लोग देखते हैं। अच्छा सर, ये वानखड़े में तो नहीं जा रहा ना सीसीटीवी? वानखड़े तक नहीं है सर, इधर रोड का लाइव मैच हम इधर ही देखेंगे। ये जो है पूरा रोड है, जिधर रोड पे जिधर सिग्नल पे जिधर सीसीटीवी या कैमरा फिक्स है ना, डिफिकल्ट काम है आप लोग जो कर रहे हैं। सर मैं एक बार एकदम नजदीक जाके देखो ना, आप भी चलिए सर, दोनों हमारा जो है गारंटी का कैमरा जरा क्लियर, एक सेकंड आप सर नजदीक आए तो आवाज नहीं आएगी, कैमरा जरा जूम करने आ रहा साहब जरा। अच्छा, इतना जूम होता है? हाँ जूम होता है। तो दिन भर बस लोगों को यही देखना है। अभी ये जो गाड़ी पार्किंग है ना, उसका अभी आप नंबर पे जूम करके देख सकते हैं। सर ये देखिए सर, ये नाक में उंगली डाल रहा है, ऐसे सब भी देख देख के ऐसा लगता नहीं क्या देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं लोग सर, ऐसा कभी कभी अजीब दृश्य भी देखने मिलता है सर। अजीब दृश्य देखने को मिलता है ना इधर? अभी सर जूम करेगा तो अजीब, बहुत ऐसा अजीब देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग काम के तो काम ही देखते हैं, ऐसा ये
टाइम ही नहीं है। नहीं लेकिन सर हंसी तो आता होगा ना, कितनी बार हंसी छूटती है ऐसा, कभी कभी पूरा ऑफिस हंसता होगा सर। ये तो आते हैं लेकिन हम लोग खाली काम के सिवा कुछ देखते नहीं, क्योंकि इधर हंसने को जाएगा तो उधर समझे एक्शन हो गया तो वो कौन देखेगा। सही है, अभी इतना बड़ा डिवीजन किधर फिर भी एक्शन पलाना एलएनटी से। सच सच बताना, ये देख के अभी तुम खुद कॉन्शियस हो गए रहेगा ना कि मैं ये सब बाइक चलाने के टाइम गाड़ी चलाने के टाइम नहीं करूंगा। हेलमेट पहनते हैं किधर भी जाते सर? नहीं नहीं वो तो पहनते ही ऑफकोर्स, वो तो मैं भी पहनता, लेकिन ये सब जो है सब वो है ना सब बंद कर दिया होगा आपने। ऑल राइट, ये लोग दिन रात काम करते हैं, मजाक तो मैंने बहुत कर लिया लेकिन भाई बहुत डिफिकल्ट काम है। थैंक यू सो मच तावड़े जी मुझे सारा बताने के लिए। आज मैं एकदम खुश हुआ हूँ, कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में आऊंगा, ये सब देखने मिलेगा। इट्स ऑल थैंक्स टू बारांभे जी, थैंक यू सो मच बारांभे सर। आप है नहीं मेरे साथ यहाँ पे लेकिन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच तावड़े जी, एंड मुंबई पुलिस के लिए एक बार जोरदार जिंदाबाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू।